नमस्कार, म्यूजिकल बडीज चैनल पे आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और थ्योरेटिकल टॉपिक, थ्योरीज ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक प्लेलिस्ट के अंतर्गत। आज इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा नोटेशन सिस्टम के बारे में। जैसा कि हमें पता है, भारत में दो तरीके के संगीत हैं, उत्तर भारतीय संगीत और दक्षिण भारतीय संगीत। तो इसी कड़ी में दो पद्धतियाँ भी बनाई गई हैं, भातखंडे पद्धति जो कि हम उत्तर भारतीय संगीत में काम लेते हैं, और पलुस्कर पद्धति जो कि हम दक्षिण भारतीय संगीत में काम लेते हैं। तो आइए देखते हैं कि इस वीडियो में आपको आज और क्या जानने को मिलता है। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी यूट्यूब के एल्गोरिदम के अकॉर्डिंगली सबको नोटिफिकेशंस नहीं मिल पाते हैं, सबके पास वीडियो का मैसेज नहीं पहुंच पाता है। तो इंस्टाग्राम पे हम हर एक वीडियो की छोटी छोटी क्लिप्स डालकर अपडेट करते हैं कि आज यूट्यूब पर कौन सा वीडियो आया है और कौन सा हम डालने वाले हैं। उसके साथ साथ हम कोट्स के थ्रू भी कुछ छोटी छोटी म्यूजिकल टिप्स देते रहते हैं। उसके अलावा कुछ चैलेंजेस होते हैं म्यूज़िक से रिलेटेड ही, कुछ क्विजेज होते हैं म्यूज़िक से रिलेटेड, और कुछ न्यू टैलेंट्स हैं जो जो कि गायन है या नृत्य है या वादन है, हम हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज पर भी डालते हैं। तो आप वहाँ जाकर और फॉलो करें हमें, ताकि आपके पास अपडेट मिलता रहे। अगर आप कहीं जाकर सीखना चाहते हैं और आप असमर्थ हैं जाने में और आप नहीं सीख पा रहे हैं, तो आप सही प्लेटफॉर्म पर आए हैं। म्यूजिकल बडीज आपको सिखाएगा, और उसी के लिए हमने ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू करी है, जिसका जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा मैं आपको समझा देती हूँ कि हम आपको वीडियोस भेजेंगे और इनिशियली वो यूट्यूब के लिंक्स होंगे, और अगर आपको कोई क्वेरीज है तो आप हमें पूछेंगे कि ये प्रॉब्लम है, तो हम उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का एक आपके लिए पर्सनलाइज वीडियो बना के भेजेंगे, जिसमें वो इलैबोरेटेड वे में समझाई जाएगी। उसके बाद आप उसे समझ के और फिर आपका प्रैक्टिस वीडियो भेजेंगे, जिसको देखकर आपकी जो मिस्टेक्स हैं, जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, वो हम आपको बताएंगे और उनको उनका सोल्यूशन भी देंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं और डिटेल्स के लिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा मैंने आपको बताया कि नोटेशन सिस्टम, स्वर लिपि पद्धति के बारे में हम बात करेंगे, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये क्यों ज़रूरी था। स्वर लिपि पद्धति बनाने का या निर्माण करने का जो रीज़न है वो क्यों है। पुराने टाइम में क्या होता था कि गुरु शिष्य परंपरा चलती थी, कि गुरु जी ने जो गाया है वो शिष्य उसको रिपीट करेगा। गुरु जी लिखवाते नहीं थे, और वो किसी तरीका का भी आपको कोई नोट्स वगैरह या कुछ भी नोटेशंस वगैरह नहीं देते थे। तो एक स्टूडेंट के लिए ये एक पॉइंट पे आने के बाद में असंभव है कि आप हर एक चीज़ याद रख पाएं, क्योंकि एक एज के बाद में जो आप हमारी मेमोरी है वो कम होना शुरू हो जाती है। और दूसरा इसका फिर कारण ये भी था कि जैसे मेरे गुरुजी ने मुझे बताया, मैं आने वाली जनरेशन, मेरी जो आने वाली जनरेशन होगी उसको मैं बताऊंगी, तो मेरे जो चीज़ें हैं वो मेरे साथ ही रह गई। और मान लीजिए अगर मैं नहीं बता पाई, तो मेरे ज्ञानी होने का या मेरे पास जो ज्ञान है उसका कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि उसका यूज़ आगे वाली पीढ़ी ने नहीं किया है। तो इसीलिए दो महानुभाव थे, विष्णु नारायण भातखंडे और विष्णु दिगंबर पलुस्कर। ये दो महानुभाव थे जिन्होंने स्वरलिपि पद्धति का निर्माण किया, और इन्हीं के नाम पर यह पद्धति का नाम रखा गया है, जो कि भातखंडे पद्धति और पलुस्कर पद्धति। अब भातखंडे पद्धति जो है वो उत्तर भारतीय संगीत में काम आती है, यानी कि जो हम संगीत सीख रहे हैं, और जो पलुस्कर पद्धति है वो साउथ में काम आती है। पद्धति शुरू करने से पहले इन दो जो महानुभाव हैं उनके बारे में हम जान लेते हैं कि कैसे थे वो और क्या था। विष्णु नारायण भातखंडे, पंडित विष्णु नारायण भातखंडे का जन्म 10 अगस्त सन 1860 को महाराष्ट्र प्रदेश के बालकेश्वर नामक स्थान में कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हुआ था।
उन्होंने उनके पिता से, जिन्हें संगीत से बहुत प्रेम था, संगीत सीखने की प्रेरणा मिली। उन्होंने सितार, गायन और बांसुरी तीनों में शिक्षा प्राप्त करी और उसके बाद में अच्छा अभ्यास किया। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी ग्वालियर घराने से थे और सन 1883 में बीए और सन 1890 में उन्होंने एलएलबी की परीक्षा करी और उसके बाद में उन्होंने कुछ कुछ वक्त तक वकालत भी करी। ऐसा कहा जाता है कि जब वो सीखने गए और जब उन्होंने ये चीज़ एक्सपीरियंस करी कि जो गुरुजी ने गाया वो उनको रिपीट करना था, तो उनको कुछ चीज़ें समझ नहीं आई। और जब उन्होंने पूछा कि ये चीज़ कैसे करी जाती है, तो गुरुजी के पास में कुछ जवाब नहीं था। क्यों? क्योंकि उन्होंने उनके गुरुजी से जो सीखा वो उनको वही बता रहे थे। तो उनको लगा कि जब तक सामने वाले को समझ नहीं आएगा वो गा नहीं पाएगा या वो बजा नहीं पाएगा, तो इसीलिए उन्होंने इस पद्धति का निर्माण किया। तो आइए देखते हैं कि इनकी पद्धति में क्या है। भातखंडे पद्धति में चार भागों में बांटा गया है। भातखंडे पद्धति पांच भागों में बांटी गई है। स्वर चिन्ह, सप्तक चिन्ह, स्वर मान, ताल लिपि और स्वर सौंदर्य। अब एक एक करके हम देखते हैं। स्वर चिन्ह में हमने ये देखा कि शुद्ध स्वर, कोमल स्वर और तीव्र स्वर। इन स्वरों को जो लिखने का तरीका है वो इस प्रकार है कि शुद्ध स्वर में कोई भी चिन्ह नहीं लगता है और कोमल स्वर में हम स्वर के नीचे रेखा खींचते हैं और तीव्र स्वर में हम स्वर के ऊपर खड़ी रेखा खींचते हैं। फिर हम आते हैं सप्तक चिन्ह में। सप्तक तीन तरीके के होते हैं, मध्य, मंद्र और तार। मध्य सप्तक का जो लिखने का तरीका है वो कुछ भी नहीं है, प्लेन ऐसे सिंपल लिखे जाते हैं। और मंद्र सप्तक को जो लिखने का तरीका है वो स्वर के नीचे डॉट लगाया जाता है और तार सप्तक में स्वरों के ऊपर बिंदु लगाया जाता है। स्वर, सप्तक, ताल, लय, इन सब के बारे में मैंने बहुत इलेबोरेटेड वे में भी अलग अलग वीडियोस बनाए हैं। अगर आपने वीडियोस वो नहीं देखे हैं तो आप ऊपर आई का सिंबल बना रहा होगा, उसमें आप क्लिक कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। नहीं तो डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट, थ्योरीज ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक प्लेलिस्ट करके लिंक दिया गया है, आप वहां जाके आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, आप एक बाय एक देख सकते हैं। फिर हम आते हैं स्वर मान पर। अब स्वर मान यानी कि आप किसी भी स्वर को हमें अगर कितनी मात्राओं में लिखना है तो हम उसको किस तरीके से लिखेंगे। जैसे अगर हमें एक मात्रा में एक स्वर लिखना है तो एक मात्रा में एक स्वर लिखा जाएगा। अगर अगर हमें डेढ़ मात्रा लिखनी है तो जैसे फॉर एग्जाम्पल सा, डैश और रे, ये डेढ़ मात्रा हो गई, यानी कि सा जो है वो डेढ़ मात्रा तक जाएगा और रे जो है वो हाफ मात्रा तक जाएगा, है ना, इस तरीके से। और फिर अगर हमें दो मात्रा लिखनी है तो हम, जैसे अगर हमको सा को दो मात्राओं में लेना है तो सा डैश वो दो मात्रा होगी, और अगर हमें तीन मात्रा लेना है तो सा के आगे दो डैश लग जाएंगे, और अगर चार मात्राओं में लेना है तो सा के आगे तीन डैश लग जाएंगे, इस तरीके से लिखा जाएगा। फिर अगर हमको चौगुन में लिखना है या दुगुन में लिखना है तो हम, जैसे हमने एक मात्रा के अंदर एक लिखा वो ठा कहलाई, अगर हमें दुगुन लिखना है तो एक मात्रा के अंदर दो बोलाएंगे, यानी कि उस बोल के नीचे हम अर्धचंद्र बनाएंगे, जिससे कि हमें ये पता चलेगा कि उस अर्धचंद्र के अंदर जितने भी बोल लिखे गए हैं वो एक मात्रा काउंट होते हैं। अगर उसके अंदर तीन लिखा है, अगर तिगुना है तो उसके अंदर तीन लिखा होगा तो वो एक मात्रा के अंदर तीन लिखे हैं और हमने अर्धचंद्र लगाया है। वैसे ही हम चौगुन लिखेंगे, छगुन लिखेंगे, अठगुन लिखेंगे। और अगर हमें विराम देना है कि हमें किसी स्वर के बाद हल्का सा पॉज देना है तो हम वहां पे कॉमा लगाते हैं। जैसे कि अगर हमें ग प साथ में गाना है फिर धनी सा गाना है तो ग प के बाद में कॉमा लगाया जाएगा फिर धनी सा लिखा जाएगा, जिसका ये मतलब है कि प के बाद में आप हल्का सा पॉज देंगे और फिर धनी सा शुरू करेंगे। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं ताल लिपि पर। ताल लिपि में कुछ चीजें हैं, सम, खाली, ताली, विभाग
उनका चिन्ह मैं आपको बता देती हूँ। सम का चिन्ह जो है वो क्रॉस है, यानी कि हर पहली मात्रा पर क्रॉस लिखा जाएगा, और खाली जिस मात्रा पर आती है उसके नीचे हम शून्य लिखते हैं, यानी कि जीरो। फिर अगर हमें कोई मात्राएं डिनोट करनी है तो वो 1, 2, 3, 4 न्यूमेरिकल वे में डिनोटेड की जाती है, और अगर हमको विभाग शो करने हैं तो हम खड़ी लाइन शो करेंगे। अगर हमें दो दो के विभाग बनाने हैं तो हर दो के बाद में एक खड़ी रेखा बना दी जाएगी। उसके बाद में अगर ताली की संख्या है तो हम उस पर्टिकुलर मात्रा या उस पर्टिकुलर बोल के नीचे, हम सपोज अगर दूसरी ताली है तो हम 2 लिखेंगे, तीसरी ताली है तो हम 3 लिखेंगे। अभी आप अपनी स्क्रीन पर एक ताल का एग्जाम्पल देख रहे होंगे जिसमें सम, विभाग, ताली, खाली सब बताया गया है, तो आप अगर उसको ध्यान से देखें तो उसमें मात्राएं भी दी गई हैं, चिन्ह भी दिए गए हैं और बोल भी दिए गए हैं, तो आपको और समझ आ जाएगा। उसके बाद में आता है स्वर सौंदर्य। स्वर सौंदर्य का मतलब कि जो ऑर्नामेंट्स हैं, म्यूजिकल ऑर्नामेंट्स हैं, यानी कि मीन, खटका, गमक, उनको लिखने का क्या तरीका है। मीन को लिखने का तरीका है कि अगर आप दो स्वर की मीन ले रहे हैं तो पहले स्वर से दूसरे स्वर तक उल्टा अर्धचंद्र बनाया जाएगा, यानी कि सेमी सर्कल बनाया जाएगा ऊपर की तरफ। और अगर आप कर्ण लिखना चाहते हैं तो जिस स्वर का आप कर्ण ले रहे हो वो छोटा सा स्वर बड़े स्वर के ऊपर लिखा जाएगा, यानी कि जो मेन स्वर है, या फॉर एग्जाम्पल अगर प मेन स्वर है और आप उसको ध का कर्ण लेके गाना चाहते हैं तो आप ऊपर छोटा सा प के ऊपर ध लिखेंगे। उसके बाद में आ जाता है हमारा खटका। अगर हमें खटका गाना है, अगर लिखा हुआ है, तो वो कैसे पहचानेंगे कि वो खटका लिखा हुआ है। वो पर्टिकुलर स्वर आपको ब्रैकेट में मिलेगा। अगर आपको जैसे प का खटका लेना है तो वो प ब्रैकेट में लिखा जाएगा। उसके बाद में हम आ जाते हैं गीत उच्चारण, यानी कि जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि अगर सा को मुझे 3 मात्रा में लिखना है तो मैं 2 डैश लगाऊंगी, वैसे ही अगर हमको जैसे कोई ख्याल है उसके जो बोल है, अगर उन बोलों को अगर हमें लिखना है, फॉर एग्जाम्पल श्याम, तो श्या 2 एस फिर म, यानी कि जो श्या है वो मुझे 2 मात्रा तक बढ़ा के गाना है, यानी कि श्याम इस तरीके से है ना। तो हम एस बनाते हैं, छोटा सा जो एस है वो हम एस लिखते हैं। इस वीडियो में आज इतना ही। आपको अगले वीडियो में मैं दूसरी पद्धति के बारे में बताऊंगी, पलुस्कर पद्धति के बारे में, जो साउथ इंडियन म्यूजिक में काम आती है। चीजें वही हैं, बस लिखने का तरीका और गाने का तरीका या बोलने का तरीका अलग रहता है उसमें, बाकी स्वर भी सेम है और जो रागे गाने का तरीका है वो भी एक तरीके से सेम ही है ना, जो रागों का चलन है वो सेम ही है। तो आज इस वीडियो के लिए इतना ही, आप देखते रहिए, और अगर आपको इसी तरीके से और थ्योरेटिकल टॉपिक्स चाहिए जो आप समझना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में हमको बताएं कि कौन सा टॉपिक है जो आप समझना चाहते हैं। आप शेयर करें इस वीडियो को अपने म्यूजिकल बडीज में और सब्सक्राइब करें चैनल को अगर इसी तरीके से आपको वीडियोज मिलते रहेंगे। एक और चीज़ मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी, अगर आप चाहते हैं कुछ डोनेट करना तो नीचे डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दी गई हैं, तो आप कर सकते हैं डोनेशन। कोई कंपल्शन नहीं है, आप जितनी अपनी श्रद्धा से अगर देना चाहें तो आप दे सकते हैं, नहीं भी देना चाहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट क्योंकि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं और यूट्यूब पर हम फ्री में सिखा रहे हैं, तो जो भी प्रोडक्शन के लिए जो भी चीज़ें लगती है तो उसके लिए थोड़ा बहुत तो होता ही है। तो अगर आपको अच्छा लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं और आप हमें सराहना चाहते हैं तो आप हमें डोनेशन के थ्रू कुछ भी अगर आप देना चाहें तो आप दे सकते हैं। तब तक के लिए स्टे म्यूजिकल, स्टे हैप्पी एंड फील द बीट। थैंक यू।